हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में चलिए देखते हैं क्या आपके पर्सन को रिग्रेट है, आपको खोने का, अपनी गलतियों का एहसास है। तो ये चीज़ हम आज देखेंगे। तो देखते हैं क्या आपके पर्सन को रिग्रेट है अपनी गलतियों का, क्या आपके पर्सन को रिग्रेट है अपनी गलतियों का। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, क्या उनके पर्सन को रिग्रेट है अपनी गलतियों का, आपके पर्सन को क्या रिग्रेट है अपनी गलतियों का। पहला कार्ड है फोर ऑफ डायमंड, क्वीन ऑफ स्पेड, सिक्स ऑफ हार्ट, फाइव ऑफ डायमंड और किंग ऑफ डायमंड। जहाँ तक मैं कार्ड में देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन को रिग्रेट तो है अपनी गलतियों का, ठीक है, क्योंकि आपके साथ जो है आपके पर्सन का बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड था, ठीक है। तो आप दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग इमोशनल, मैं लाइट थोड़ा चेंज की जिस क्योंकि कम लाइट दिख रहा था, ठीक है। तो आपके पर्सन और आपके बीच में जो रिलेशनशिप था पास्ट में, वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, बहुत केमिस्ट्री था आप दोनों के बीच में। एक दूसरे की फीलिंग्स बिना बोले आप दोनों समझ जाते थे। बहुत स्टेबल सिक्योर आप दोनों का रिलेशनशिप चल रहा था। एक ऐसा कनेक्शन था जहाँ की ये पर्सन आपके साथ दोस्त की तरह थे, और बहुत आप दोनों के बीच में बिना बोले एक दूसरे की बात पहचानना और स्टेबल कनेक्शन, एक दूसरे के साथ गुड केमिस्ट्री मुझे यहाँ नज़र आ रही है, ठीक है। तो आपके पर्सन को रिग्रेट क्यों है, क्योंकि इस तरीके के रिलेशनशिप के बाद आप दोनों के बीच में ऐसी सिचुएशन आ गई कि अब आपकी एनर्जी इस पर्सन से डिटैच्ड नज़र आ रही है। हो सकता है कि आप इस पर्सन से इमोशनली अब डिटैच्ड हो चुके हो, क्योंकि इस पर्सन ने आपको किसी बात को लेके हो सकता है हर्ट किया हो, या आपको बहुत ज़्यादा अंदर से दिल दुखा दिया, जिसकी वजह से अब आप स्पेड के एनर्जी में नजर आ रहे हो, जहाँ कि आप इस पर्सन से बिल्कुल कट ऑफ कर चुके हो इमोशनली। उनको लगता है कि आप कट ऑफ कर चुके हो। साथ में आपके पर्सन अभी भी आपके साथ जो पास्ट मेमोरीज हैं उनको भी बहुत ज़्यादा याद करते हैं। एक तरीके से एक इमोशनल अटैचमेंट फील करते हैं आपके साथ। बिल्कुल इनका पुराना रिलेशनशिप नज़र आता है, जहाँ की बहुत प्यार है। आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद था, पर अब आप वो चीज़ें जो है नहीं कर रहे हो। तो उनको रिग्रेट तो डेफिनेटली मुझे यहाँ नज़र आ रही है। साथ में आपके साथ जो उनका एक फिजिकल अट्रैक्शन, आपको बहुत अट्रैक्टिव भी समझते थे, और एक आपके साथ एक फिजिकल अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग था, आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन आप दोनों के बीच में आपके पर्सन फील करते थे। देखिए, इसलिए आपके पर्सन अभी भी किंग ऑफ डायमंड में नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन अभी भी आपसे आप ही की तरफ देख रहे हैं। यहाँ देखिए, क्वीन ऑफ स्पेड है या और यहाँ पर किंग ऑफ डायमंड है, मतलब एक दूसरे के तरफ अभी भी आपका, हो सकता है आप दिखा रहे हो बाहर से कि आप इतने इमोशनली डिटैच्ड हो, पर एक्चुअली आपके दिल में भी, यहाँ देखिए, प्यार है। आपके दिल में भी प्यार है, पर आप वो थोड़ा सा नाराज सा शो कर रहे हो। और आपके पर्सन की एनर्जी यहाँ जो नज़र आ रही है, वो भी आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। आप दोनों के बीच में फिजिकल भी और इमोशनल अट्रैक्शन है, क्योंकि ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्टेबल था पास्ट में भी। पास्ट में आप दोनों के बीच में बहुत एनर्जेटिक कनेक्शन था। ये पर्सन अभी भी चीज़ों को आपके साथ ठीक करना चाहते हैं, तो अभी रिग्रेट एनर्जीज है, क्योंकि इस पर्सन ने कुछ आपके साथ ऐसा किया जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए, और आपकी एनर्जीज मुझे इस तरीके से नज़र आ रही है। आप दोनों की फीलिंग्स, जो हमारा मेन क्वेश्चन था कि आपके पर्सन को रिग्रेट है, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं। जो आपका एटीट्यूड चेंज हुआ है उसको लेके और भी ज़्यादा रिग्रेट फील करते हैं, ठीक है। टैरो कार्ड से भी देख लेते हैं आपके पर्सन को क्या रिग्रेट है। रिग्रेट है आपको खोने का, क्या रिग्रेट फील करते हैं आपके पर्सन। यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ वैंड्स, सेवन ऑफ कप्स और वर्ल्ड, ठीक है। कुछ और कार्ड भी मैं ले रही हूँ, चैरियट, मून, एम्प्रेस,
पेज ऑफ वैंड्स और सेवन ऑफ सोर्ड। देखिए आप दोनों के रिलेशनशिप में आपके पर्सन कहीं ना कहीं देखिए आपको एम्प्रेस की तरह देखते हैं, मतलब आप उनके लाइफ में एक ऐसे पर्सन हो जो कि उनके लाइफ में खुशियाँ लाती है, ग्रोथ लाती है, अबंडेंस लाती है। आपको वो पूरी तरीके से एक परफेक्ट पर्सन की तरह देखते हैं, जो जिसके जैसा कोई भी नहीं है, आपके तरह कोई भी नहीं है, ठीक है, ऐसा आपके पर्सन सोचते हैं। आप दोनों के बीच में कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन हुई थी या कुछ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुई थी किसी और की वजह से, तो उस वजह से भी ये चीज़ें हुई, ठीक है। आप दोनों के रिलेशनशिप में ऐसा लगता है कि जब आप दोनों का रिलेशनशिप था, हो सकता है कि आपके पर्सन उतना आपके तरफ फोकस नहीं कर रहे थे, अपने वर्क के तरफ फोकस कर रहे थे, और या फिर आपको, फिर आप दोनों के बीच कन्फ्यूजन ऐसा हुआ कि हो सकता है आपको लगा कि ये पर्सन कहीं और अपना टाइम एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं। इस तरीके के आप दोनों के बीच में एक शक वाली चीज़ें हुई, ऐसा नज़र आ रहा है, ठीक है। अब तो चीज़ें चेंज आप दोनों के बीच में हुई है काफ़ी। ये पर्सन भी सोचते हैं कि आप इनके लिए बहुत ज़्यादा सौभाग्य लेकर आए थे, ठीक है, इसकी वजह से ही ये अपने लाइफ में कुछ कर पाए हैं, आगे बढ़ पाए हैं। पर जो भी सिचुएशन हुआ उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस वक्त चीज़ों से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है, अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है, जब से आपके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उसके बाद से, ठीक है। कुछ ऐसा भी हुआ है जिसके वजह से आपके पर्सन इस वक्त आपके बिहेवियर को लेकर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में है। उनको लग रहा है कि जब आप उनको इतना अनकंडीशनल लव करते थे, तो आप उनकी, अगर उन्होंने कोई गलती की है, तो छोटी सी गलती आप क्यों नहीं माफ़ कर रहे हो। साथ में आप लोग के रिलेशनशिप में दूसरों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूशंस हुई, ऐसा लग रहा है। कुछ मनी इश्यूज भी रहे, उसका भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ये डिफरेंसेस आ गए। देखिए यहाँ पर दो बार आया, एक तो मून आया है सेवन ऑफ सो, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ था कि इस पर्सन ने आपको इग्नोर किया था पास्ट में, और कुछ डिसिप्टिव एनर्जीज थी। कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है यहाँ पे, आपके पर्सन थोड़ा भटक गए थे हो सकता है, ठीक है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में भटक गए थे। पर वो जो भी उनके साथ वो रिलेशनशिप था वो सिर्फ फ्रेंडली था, वो आपको, आपके पर्सन उस पर्सन के साथ, दूसरे पर्सन के साथ इतने ज़्यादा सीरियस नहीं थे, सिर्फ एक फिजिकल अट्रैक्शन टाइप हो गया था या फिर फ्रेंडशिप टाइप का हो गया था, पर वो एम्प्रेस के तौर में हमेशा आप ही को देखते हैं। अगर आप दोनों ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे और मैरिज टाइप की आप दोनों की सिचुएशन हो गई थी, तो मुझे ऐसा लग रहा है किसी ना किसी तरीके से आपकी मदर का या आपके पर्सन की मदर का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई। हो सकता है बहुत ज़्यादा लड़ाई भी हुई आपकी वजह से, या आपकी मदर इन लॉ की वजह से, कोई फीमेल फिगर की वजह से बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई, और अब आपके पर्सन जो है कहीं ना कहीं चीज़ों से भागने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। उन्होंने वो सिचुएशन को फेस नहीं किया, वो भागे सिचुएशन में और आपसे एक डिस्टेंस बना लिया, और उसकी वजह से रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में प्रॉब्लमेटिक हुई। पर आपके पर्सन को जहाँ तक रिग्रेट का सवाल है, रिग्रेट होता है क्योंकि देखिए हार्ट ऑफ द रीडिंग में ही यहाँ पर एम्प्रेस आया है, जो कि बहुत एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है इस रीडिंग को, कि आपके पर्सन चीज़ों से अब मूव ऑन भी करना चाहते हैं। देखिए सिक्स ऑफ सोर्ड, मूव ऑन करना चाहते हैं उस कठिन सिचुएशन से, और यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड, ये कोई हो सकता है कि आपके पर्सन आपको देख रहे हैं कि आप मूव ऑन हो चुके हो और आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हो, आप अपने लाइफ में, अपने फाइनेंसिस में, अपने फैमिली में फोकस कर रहे हो, हीलिंग में फोकस कर रहे हो अपने, और आप अपने फाइनेंसिस पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, इस तरीके से आपके पर्सन आपको लेके सोच रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन के तरफ से मैसेजेस लेते हैं, उसके बाद हम एंजल गाइडेंस लेंगे। आपके पर्सन को रिग्रेट तो होता है, पर कौन सी बात का रिग्रेट होता है उनको? उनको इस बात का रिग्रेट होता है कि व्हाई यू इग्नोर मी नाउ ए डेज, वो ये सोचते हैं कि आजकल आप उसको उनको इतना क्यों इग्नोर करते हो। आई विल फॉरगिव यू, उनको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं उनकी भी गलतियाँ थी, आपकी भी गलती थी, तो जो भी हुआ है एक दूसरे को माफ़
करने के लिए तैयार हैं, और किस बात का रिग्रेट है कि आई फील गिल्टी फॉर द वे आई ट्रीटेड यू, जिस तरीके से उन्होंने आपको ट्रीट किया, ठीक है, उस बात के लिए भी गिल्ट फील करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपके पर्सन, आई मिस यू का कार्ड आया है, साथ में आपकी बहुत ज़्यादा चिंता भी करते हैं, आई एम वरीड अबाउट यू, क्योंकि आपके बारे में उनको कोई जानकारी भी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि आपने अपने एनर्जेटिक कनेक्शन उनको लगता है जैसे तोड़ दिया है, वो आपसे दोबारा नहीं पता आप मौका दोगे कि नहीं, गिव मी अ चांस का कार्ड आया है, नहीं पता आप उन्हें मौका दोगे या नहीं, उनको ऐसा भी लग रहा है, इस बात का रिग्रेट भी है कि आप बहुत ज़्यादा बदल चुके हो पहले से, आप पहले टाइप के नहीं हो, पहले जैसे उनको प्यार करते थे वैसे नहीं है, आई हैव लॉस्ट ऑल होप्स, उनको ऐसा लगता है कि सारी उम्मीदें जैसे ख़त्म हो गई है, फिर भी आपका इंतज़ार करना चाहते हैं, आई विल वेट फॉर यू, आई फील गिल्टी ऑफ वॉट आई हैव डन, देखिए यहाँ दो बार आया है ये, आई फील गिल्टी द वे आई ट्रीटेड यू एंड आई फील गिल्टी ऑफ वॉट आई हैव डन, मतलब कुछ ना कुछ इस पर्सन ने ऐसा किया है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गिल्ट फील करते हैं, और अब आपसे सेकेंड चांस भी चाहते हैं, पर उनको लग रहा है कि आप ही नहीं चाहते हो, देखिए योर साइलेंस इज किलिंग मी, आप जो शांत हो, साइलेंट थेरेपी जो आप कर रहे हो इस पर्सन के साथ, वो कहीं ना कहीं इनके ऊपर असर डाल रही है, यू बिलीव और नॉट आई लव यू मोर देन यू नो, तो आप विश्वास करो या नहीं, जो भी हुआ पास्ट में उसके बावजूद भी ये पर्सन आप ही को चाहते हैं, आई रिग्रेट आई लॉस्ट द फ्रेंडशिप विथ यू, मतलब उनको बहुत दुख है कि आई इवन लॉस्ट, मतलब प्यार के साथ साथ उन्होंने आपके साथ जो दोस्ती थी वो भी खो दी, उस बात का आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा दुख होता है, ठीक है, देख लेते हैं आपके लिए क्या एंजल गाइडेंस है सिचुएशन में, आपके लिए क्या एंजल गाइडेंस है, आपके लिए क्या एंजल गाइडेंस है, क्या एंजल गाइडेंस है, ठीक है, आपके लिए गाइडेंस ये नज़र आ रहा है कि योर प्रेयर्स आर बीइंग आंसर्ड, योर प्रेयर्स आर बीइंग रिसीव्ड बाय द डिवाइन, आंसर विल कम सून, ऑल्दो परहैप्स इट फॉर्म्स यू डिडंट एक्सपेक्ट, ठीक है, आपको कुछ एंजल से आप प्रेयर कर रहे हो, ईश्वर से कुछ प्रेयर कर रहे हो, जो कि या तो मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो कि डिवाइन आपको जल्द ही आंसर करेंगे, ठीक है, डिवाइन का आपके लिए ये मैसेज है, बहुत दिल से आप प्रार्थना कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, पर एंजल्स आपको ये भी बोल रहे हैं कि अभी उस चीज़ में आपको कोई एक्शन नहीं लेना है, क्योंकि अभी आप एक्शन लोगे तो चीज़ें उल्टी पड़ सकती हैं, क्योंकि नो इट इज़ नॉट यट टाइम, दिस इज़ नॉट द डिवाइन राइट टाइम टू टेक एक्शन, प्लीज़ बी पेशेंट, द अपॉर्चून मोमेंट इज अप्रोचिंग, ठीक है, अभी आपके प्रेयर्स आंसर्ड होंगे, पर जिस तरीके से आपने एक्सपेक्ट किया था वैसे नहीं, भगवान एंजल्स की कुछ अलग तरीके से आपकी मदद करेंगे, और अगर आप एकदम एक्शन लेने कुछ कोई भी एक्शन लेने जा रहे हो तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि ये इस वक्त सही वक्त नहीं है, थोड़ा सा वेट करिए, आपको एंजल्स डिवाइन ही कुछ ऐसे सिग्नल से देंगे कि ये सही समय है, तो अभी आप कोई एक्शन मत लीजिए, पुट योर क्रिएटिव एनर्जी इनटू एक्शन, आर्कएंजल गैब्रियल जॉइंस मी टू स्पार्क योर क्रिएटिविटी, हेल्प यू कम्युनिकेट योर विजन एंड मोटिवेट यू टू क्रिएट ब्यूटीफुल समथिंग, अभी आपको एंजल्स क्या बोल रहे हैं, इन चीज़ों से थोड़ा सा पीछे हटके प्रेयर्स आप करिए, पर कोई एक्शन मत लीजिए, पर अपने क्रिएटिव वर्क, जो भी आप काम करते हैं, जो भी आपके बिजनेस है, करियर है, उसमें आप ज़्यादा फोकस करिए, उसमें कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ आपको आएंगे, अगर आपको क्रिएटिव आइडियाज़ कुछ नहीं आ रहे कि काम में क्या नया कर सकते हैं, तो आप आर्क एंजल गैब्रियल को प्रे कर सकते हो कि वो आपकी मदद करे आपके काम में, आपको कुछ आइडियाज़ दे जिससे कि आप अपने करियर में अच्छे से ग्रोथ कर पाओ, जो भी आप चाहते हो अपने करियर में वो चीज़ें आप कर पाओ, तो आपको प्रेयर्स करने हैं, और इस सिचुएशन में अभी आपको कोई एफर्ट नहीं करना है, आपको एंजल्स पे सरेंडर करना है, यूनिवर्स पे सरेंडर करना है, और अपने पर काम के लिए आपको काम पे अभी फोकस, अपना जो एनर्जी है अपने काम की तरफ फोकस करिए,
और आर्क एंजल गैब्रियल को आप प्रे करिए कि आपके करियर में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो चीज़ें ठीक हो जाए, और साथ में आप जो डिवाइन आंसर्स के लिए वेट कर रहे हो वो आपको जल्द ही मिलेंगे। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, होप आपके साथ रेजोनेट हुई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।